नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज की तारीख है 15 मई 2024 और मैं कीर्ति हाजिर हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। खाई में गिरी बस, सादगी की मिसाल बने एसपी साहब। बोरीगांव में चुनाव का बहिष्कार, 70% हुई वोटिंग। जैनूर में धारा 144। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। लोकसभा का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन इस चुनाव में ड्यूटी करने आए अफसर बहुत परेशान दिखाई दिए। एक तो चुनाव के पहले दिन बारिश की वजह से उन लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी, और जब चुनाव खत्म होने के बाद जब अफसर बस में जा रहे थे, तब केरामेरी के घाट के पास उनके बस का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि करंजीवाड़ा गांव के पास में यह एक्सीडेंट हुआ। बस खाई में जाकर फंस गई, लेकिन किस्मत की बात यह रही कि बस में सवार किसी भी सरकारी अधिकारी को कोई चोट नहीं आई। दर्शकों, इस लाल निशान के अंदर वर्दी पहने दिखाई दे रहे व्यक्ति हमारे जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं। जी हाँ दर्शकों, ये हैं हमारे एसपी साहब श्री सुरेश कुमार जी। एकदम आम आदमी की तरह यह भी अपनी वोट डालने के लिए आसिफाबाद के एक वोटिंग सेंटर में जा पहुंचे। पोलिंग बूथ में इन्होंने अपने पद का कोई भी दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह लाइन में खड़े होकर वोट डालने गए। भीड़ होने के बावजूद गर्मी में करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद एसपी साहब ने वोट डाला। जिला का एसपी कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता है, वह एक आईपीएस ऑफिसर होता है। यूपीएससी की परीक्षा लिखने के बाद उसके हाथ में पूरे जिले की सिक्योरिटी होती है। एसपी साहब के इर्द गिर्द हमेशा पुलिस वाले होते हैं, वह हमेशा अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करते हैं। लेकिन हमारे एसपी साहब ने एक मिसाल कायम करते हुए बताया कि अपने पद का कोई भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दर्शकों, इस तस्वीर में दिख रहे लोग हैं बोरीगांव ग्राम के निवासी। कागज नगर के पास मौजूद जगन्नाथपुर इलाके में एक छोटा सा गांव है बोरीगांव। यहाँ के लोग बेहद गुस्से में थे और चुनाव का बायकॉट कर रहे थे। गांव वालों ने बताया कि कई वर्षों से उनके गांव में रोड की समस्या को पेंडिंग में रखा जा रहा है। वे कई सालों से एक छोटे से रोड की मांग कर रहे हैं, जिसे कि कोई भी पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे में ग्राम के निवासियों ने तय कर लिया था कि वे वोट डालने नहीं जाएंगे और वे वोट का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जब यह खबर कागज नगर के बजरंग दल वालों को पता चली, तो वे अपनी टीम को लेकर तुरंत बोरीगांव पहुंच गए। उन्होंने ग्रामवासियों को बताया कि एक वोट कितना महत्वपूर्ण और कीमती होता है, ऐसे में हमें वोट जरूर डालना चाहिए। यह अपील करते हुए बजरंग दल वालों ने गांव के निवासियों को मना लिया। गांव के निवासियों ने आखिर में वोट डालकर अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया। अभी हाल ही में हुए चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले सभी वोटर्स को हमारा यानी लोकल टीवी की टीम की ओर से प्यार भरा धन्यवाद। मिली जानकारी के अनुसार पूरे सिरपुर तालुके में करीब 70% वोटिंग हुई। इसी तरह हमारे आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी 69.8% वोटिंग हुई। कुछ दिनों पहले हमने वोटर्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिसमें हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब 810 लोगों को हमने वोट डालने की सहायता की। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें वोट डालने कहां जाना है। किसी भी पार्टी और प्रशासन की ओर से उन्हें वोटिंग चिट्ठी नहीं मिली थी। हमें फोन करके उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप की जानकारी मांगी। हमने करीब 810 लोगों को फोन पर यह जानकारी देकर उन्हें बताया कि उनका वोटिंग पोल सेंटर कहाँ है। वोट एक बहुत अमूल्य चीज है, जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। हमें यह बताते हुए दुख भी हो रहा है कि कई लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया है। ऐसे में लोगों को फिर से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। जब भी वोटर आईडी कार्ड बनाने की लिंक जारी होगी, हम आपको उसकी जानकारी जरूर देंगे। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। चुनाव के समय पर सब कुछ शांत रहा। पूरे जिले में शांति से हर जगह वोटिंग हुई। बस केवल एक जैनूर मंडल में ही थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। जिला पुलिस ने बताया कि वोटिंग के दौरान जैनूर गांव में दो पार्टियों के बीच में झड़प हो गई। ऐसे में ये झड़प और ना बढ़ जाए, इसके लिए पुलिस ने जैनूर मंडल में धारा 144 लगा दी है। वहां पर इंटरनेट को भी स्लो कर दिया गया है। बाकी जिला वासियों से
पुलिस ने यह आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी तरह के बहकावे में और भ्रम में न आए। लोग अफवाह फैलाकर दंगा भड़का सकते हैं, ऐसे में सोच समझकर व्हाट्सएप पर मिले फोटोज और वीडियोज को शेयर करें। साथ ही साथ लोगों के द्वारा फैलाए गए अफवाह पर भी ध्यान न दें। अन्यथा जैनूर के साथ साथ हमारे कागज नगर में भी धारा 144 लगाने की नौबत आ जाएगी। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। और हाँ, यदि आप अपने कागज नगर के दोस्तों और रिश्तेदारों को कागज नगर और उसके आसपास के समाचारों से अवगत कराना चाहते हैं तो लिंक जरूर शेयर करिए। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।